गाइज, अगर आपको आपके अकाउंट में से कुछ पैसा निकलना है तो आपको जाना होता है या तो बैंक में या तो फिर आप खड़े हो जाते हो एटीएम के बाहर लंबे लाइन पर, जिससे आपका बहुत सारे टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आज के डेट पे टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो देखने के बाद आपको आगे जाकर कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपका जो पैसा है वो पैसा आपके पास आ जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे पीएसबी अलायंस डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस के बारे में, जिसके चलते आपको अगर पैसे का जरूरत है तो आपके पास आ जाएगा, आपके घर में आ जाएगा। ना तो आपको बैंक में जाना होगा, ना तो आपको एटीएम के बाहर लंबे लाइन पर घंटों भर खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि 9 सितंबर 2020 से हर एक गवर्नमेंट बैंक अभी आपके घर में आ चुका है पीएसबी अलायंस डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस के चलते। हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित, वेलकम बैक टू माय चैनल एपेक्स टॉक। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसबी अलायंस डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस के सबसे बढ़िया सर्विस, जो कि है कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के बारे में। अगर आपको पीएसबी अलायंस डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस के बारे में और भी कुछ जानना है तो इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके एक बार प्लीज देख लीजिएगा, आपको डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस के बारे में पूरा पता चल जाएगा। लेकिन गाइस, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कैसे आपका जो पैसा है वो बैंक में घर बैठ के आप जमा कर पाएंगे, या तो फिर अगर आपको पैसे का जरूरत है, अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो वो पैसा अपने आप आपके घर में आ जाएगा, आपको बैंक में भी जाना नहीं पड़ेगा, आपको ना एटीएम के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। गाइज, अगर आपका अकाउंट नेशनलाइज बैंक में है तो ऐसा एक मेल आपके पास शायद आया होगा, जिसमें आपको पूरी तरीके से समझाया गया है कि क्या क्या सर्विस मिलेगा। जो सर्विस 9 सितंबर 2020 से चालू हुआ है, जिस के चलते आप आपके घर में बैठ के पैसा ले पाएंगे और पैसा दे भी पाएंगे। गाइस, इस सर्विस को लेने के लिए क्या चार्जेस देना होगा, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन इसमें बताया गया है कि स्मॉल चार्जेस लगेगा, जिसके चलते आपको अगर पैसे का जरूरत है या तो फिर आपको पैसा अकाउंट में जमा करना है तो आप फोन बैंकिंग के मदद से भी ऑर्डर दे पाएंगे, या तो फिर आप जो वेबसाइट है उससे भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएंगे, या तो पीएसबी डोरस्टेप अलायंस का अलग से एक ऐप है, बैंकिंग ऐप, जिसके मदद से आप ऑर्डर कर पाएंगे कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन दोस्तों, ये जो मेल है इसमें आप एक बात देखिए, इसमें अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं पैसा, कि अगर आपको घर में बैठ के पैसा चाहिए तो इससे मैक्सिमम 10,000 तक ही आप पैसा विड्रॉल कर पाएंगे, 1,000 मिनिमम है और मैक्सिमम है 10,000। ठीक सेम टू सेम है, अगर आपको पैसा जमा करना है तो मिनिमम 1,000 है और मैक्सिमम है 10,000 तक। गाइस, ये जो डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस है, सर्विस कैसे काम करता है, मान लीजिए आपके अकाउंट में से आपको कुछ पैसा विड्रॉल करना है या तो फिर आपको कुछ पैसा डिपॉजिट करना है, तो पहले आपको ऑर्डर करना होता है। ऑर्डर कैसे होता है, अगर आप वेबसाइट में विजिट करके ऑर्डर कर सकते हैं तो ठीक है, या तो फिर आप मोबाइल जो ऐप है डोरस्टेप बैंकिंग का, उस ऐप से भी ऑर्डर कर पाएंगे। इस दोनों का दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर अगर आपके पास कोई भी इंटरनेट नहीं है तो आप फोन बैंकिंग के थ्रू भी ऑर्डर कर पाएंगे। ये जो नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके भी आप ऑर्डर कर पाएंगे। आप जब ऑर्डर कर देते हो, उसके बाद आपका जो नियरेस्ट ब्रांच रहता है, उस ब्रांच पे एक इंटीमेशन जाता है, जिससे वो लोग वेरीफाई करते हैं ऑनलाइन में कि आप ही ने ये रिक्वेस्ट भेजा है कि नहीं, आप ही इस अकाउंट का जो ओनर है कि नहीं। उसके बाद उनके पास एक बंदा आ जाता है, जो डेडिकेटेड बंदा रहता है, जिसके पास भी एक सेम टू सेम मैसेज जाता है जो आपके घर में आएगा। जैसे होता है अगर आप स्विगी या तो फिर जोमेटो से कुछ खाना ऑर्डर करते हो, तो जो सिस्टम में होता है कि आप जिस होटल से खाना मंगवाते हो, उस होटल में एक डेडिकेटेड बंदा पहुंचता है, उसके पास भी एक सेम टू सेम मैसेज रहता है जो होटल मालिक को दिखाता है, उसके बाद होटल मालिक उनको खाना देता है, वो खाना लेके वो बंदा आपके पास आता है। तो सेम टू सेम इस डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस में भी होता है, ये टोटली सिक्योर है, तो आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है कि आपका पैसा चला जाएगा, कि आपने जो पैसा डिपॉजिट करने के लिए दिया है वो पैसा अकाउंट में जमा नहीं होगा, आपके घर बैठ के ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो बंदा आपके पास आएगा उसके पास एक डिवाइस रहेगा, जिसके चलते अगर आपके अकाउंट में आधार नंबर जुड़ा हुआ है तो फिंगरप्रिंट देने से ही ऑटोमेटिकली आपका जो पैसा है वो, अगर आप जमा करना चाहते हैं तो जमा हो जाएगा, अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, साथ ही साथ आपने घर बैठ के ही हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट में आधार नंबर नहीं दिया है, अगर आपका अकाउंट आधार एनेबल नहीं है, तो भी कुछ घबराने का बात नहीं है, उनके पास अलग से एक डिवाइस रहता है, जिसके चलते आपका जो डेबिट कार्ड है या तो फिर एटीएम कार्ड है, उससे भी आप जमा या तो फिर विड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन ये जो लिमिट है, ये 1,000 से लेके 10,000 तक है, इससे ज्यादा अभी आप नहीं कर
कर पाएंगे। अगर आगे जाकर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। गाइज ये जो सर्विस है लगभग अभी 100 सेंटर में मिल जाएगा आपको, सब जगह पे नहीं मिलेगा। कौन से शहर में मिलेगा उसका लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप जहां पे रहते हो वहां पे ये सर्विस अवेलेबल है कि नहीं। तो 1000 से लेकर 10000 तक अगर आपको लेन देन करना है तो ये सर्विस आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर आपको कुछ अमाउंट का जरूरत है या तो फिर डिपॉजिट करना है, वो अभी इस सर्विस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, जो कि सबके लिए तो ये सर्विस फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन जिसके लिए 1000 से लेकर 10000 तक काफी है उनके लिए ये सर्विस बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। जो सीनियर सिटीजन लोग होता है जो बैंक में विजिट करना नहीं चाहते या तो फिर जिनके लिए बैंक में जाना पॉसिबल नहीं होता है उनके लिए ये सर्विस बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। गाइज इसके ऊपर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।